हाँ तो भैया जी, गुड मॉर्निंग, राम राम, कैसे हो आप लोग? भैया जी, अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30। वैसे किसी महापुरुष ने बड़ा खूब कहा है, किसी जगह की खूबसूरती जाननी हो तो सुबह सुबह का वक्त एकदम परफेक्ट होता है। यही सोच के कर रहा था हम सोए थे, पर सूजी के वाले ने हमारी इतनी मार के रखी है कि उठ ही नहीं पाए। खैर छोड़ो भैया जी, कुछ दिन पहले, एक आध हफ्ते पहले हमने एक लेंस ऑर्डर करवाया था, वो लेंस आ चुका है। आज से एक आध हफ्ते पहले आ चुका था, ये रहा वो लेंस। चुप, ठीक है, बाकी की बात बाहर करते हैं। चूतिया लोग मुझे ब्लॉक नहीं करने देंगे। आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। मॉर्निंग सर जी। 0834, वेयर इज माय साइकिल? ये जी है मेरी दोस्त की साइकिल है, मैंने अपने दोस्त से साइकिल उधार लिया है, बोला है कि घूमने जा रहा हूँ साइकिल पे, तो मैं घूमने जा रहा हूँ। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसते हैं मगर ये मस्त। हेलो नमस्ते, ओरिशभ गैंग की हलचल, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। अरे भैया, हमारी दुनिया में स्वागत है आपका। बहुत दिनों बाद इंट्रो करके अच्छा लग रहा है। भैया जी, अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और रूम में पड़े पड़े अजीब सा लग रहा था। छुट्टी थी हमारी, आज संडे है। कल मुझे एक सब्सक्राइबर फ़ोन करते हैं, बात करते करते पता चलता है कि वो हमारे SMG के सुपरवाइज़र हैं। हमारे सुपरवाइज़र नहीं है, किसी अलग डिपार्टमेंट के सुपरवाइज़र हैं। तो उन्होंने बोला है कि आज संडे ऐसे फ्री है, चला थोड़ा मिलना है, बातें वातें करते हैं। तो हम भैया से मिलने जा रहे हैं। एक्चुअली सर और नहीं है, भैया है हमारे, व्लॉगिंग के थ्रू आए हैं, भैया है हमारे। देखो भैया, मैंने आपको ऐसे ही नहीं कहा था, ये जगह पूरा वीराना है। देख रहे हो, कुछ दिख रहा है आपको? ये पता नहीं किस चीज़ की इंडस्ट्री या फैक्ट्री क्या बन रही है। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। तो भैया फाइनली आकर पहुँच गया। भैया ने जो लोकेशन दिया था, ये पास में पेट्रोल पंप है। भैया ने यहीं का लोकेशन दिया था, बोला था कि इस पेट्रोल पंप के पास आ जाना और मुझे फ़ोन करना। तो अभी भैया को फ़ोन करता हूँ, कहाँ है भैया? मैं इतने देर से रुका हूँ, गर्मी में रुका हूँ। किसी को प्यार नहीं मुझसे किसी। तो भैया हमारे सर जी यहाँ पे फेसबुक पे वीडियोस बनाते हैं, बहुत ही तगड़े बनाते हैं। देखो मैं सर को बोल रहा हूँ कि अपने समय में इनको मुंबई जाना चाहिए था, आज स्टार होते हैं। यहाँ पे कहाँ रुके पड़े हो? आबाद नहीं बर्बाद सही गाता। हेलो भैया, कैसे हो? अच्छा लगा मिलके आपसे। रुको, पेमेंट करके आ रहा हूँ, चाय की पेमेंट करके आ रहा हूँ। तो भैया फाइनली आके पहुँच गए और ये रहे हमारे सर। सर बोले या भैया बोले आपको? अरे भैया ही बोले, सर तो देखो सर बोल के अच्छा नहीं लगेगा, वो कनेक्शन नहीं बन पाएगा फिर, मैं उनके सामने मस्ती मजाक नहीं कर पाऊंगा। तो भैया के साथ अभी इनको कुछ शॉपिंग करना है, जा रहे हैं शॉपिंग करने। देखो मैंने आपको ऐसे ही नहीं कहा था कि ये जगह मुझे रहने का दिल नहीं करता है। अभी भैया आधे घंटे नहीं 15 मिनट से कम हम रुके हुए हैं भैया। ऑटो कोई नहीं जा रहा है, देख रहे हो? मार के जाओगे? जाएगा बोल रहे जाएंगे। चलो भैया फाइनली एक ऑटो तो मिली जो बोल रही है मार के जाएंगे। आवारा हूँ, आवारा हूँ। ये वाली चीज हमें 90 में आती है, 100 में बिकती है वैसी वाली, इसलिए कम नहीं। 90 में तो नहीं आती अभी, रहे इतना महंगा क्यों लाते हो फिर आप? सस्ता लाओ, मैं बताऊँ। यही वाली चीज आप क्वालिटी आप देख लो कहीं पे भी, 150 के आसपास कंपनी बेस में आती। मैंने भाई ले ली थी स्लीपर, है ना, ऑटो छोड़ने गया मुझे और ऑटो में ही वो पता है रह गई। कितना जूमिंग कितना देता है? नहीं ये कैमरा। भैया हम चप्पल लेने आए थे भैया के लिए, तो भैया ने हमें चप्पल दिया, डिस्काउंट नहीं दिया है ना? हाँ डिस्काउंट, अच्छा नहीं लगा। डिस्काउंट देते तो हम दोबारा इसमें नहीं होता, मेरे से दिक्कत नहीं, इसके फॉलोअर्स से बोलेंगे। बस सर हमसे पूछ रहे थे ये क्या है, कैसे क्या करते हैं, तो बस ऐसे अपने आप को उठा के अपने आप को शूट करते हैं और बुढ़ापे में देखेंगे, बस इसी यही सोच के शूट करते हैं। अगर चैनल बंद नहीं हो कोई स्ट्राइक नहीं मारी तो नहीं। देखो भैया, अब तक जो ब्लॉग हो रहा था वो मेरे इंटरनल वाइड कैमरे से हो रहा था, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ में मुझे लेंस लगाने का दिल नहीं कर रहा था।
और आप बाहर निकल के आए हैं, इतने दिनों बाद ब्लॉग कर रहे हैं, तो सोचा चलो लेंस लगा के ब्लॉग कर लेते हैं। वैसे हम यहाँ पे दो तीन काम करने आए थे, भैया सैंडल खरीदने आए थे और पेंट फिटिंग करने आए थे। पेंट फिटिंग का काम नहीं हुआ है, वो शाम को होगा, शाम को फिर आना होगा, शाम को फिर आएंगे हम यहाँ पे स्ट्रीट फूड खाने। अच्छा है, शाम का ब्लॉग शूट हो जाएगा ना। देखो भैया यहाँ पे एक चौराहा है जहाँ स्ट्रीट फूड बहुत ही दमदार मिलती है, ऐसा देख के लगता है, अभी तक खाया नहीं है, आज शाम को खाएंगे। बस देख के लगता है दमदार मिलता है, आज पता चलेगा मिलता है या नहीं मिलता है। अच्छा वैसे ब्रेकफास्ट में क्या मतलब ना, बड़ा हेल्दी और लाइट होता है, मैंने देखा है, बट ना मीठा होता है, वो ढोकले के साथ में कड़ी मीठी देंगे उसका पूरा मामला बेकार होता है। सब कुछ मीठा होता है, तीखा यहाँ पे तीखा नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। एक्चुअली मैं होटल में रुका था, मतलब जब मैं आया था शुरू में, तो उसको बोलते हैं ना एक्स्ट्रा स्पाइसी, तब जाके वो तीखा बनाते हैं, नहीं तो भाई वो मीठा सब कुछ मीठा बनाते हैं। मीठा तो नहीं था, बट नॉर्मली था, अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं लगता है ना भैया, कसम से बता रहा हूँ, रूम में पड़े रहने से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नया एक्सपीरियंस मिल रहा है, भैया से मिल के अच्छा लगा। और यहाँ की गायों को देख के तो बहुत अच्छा लगता है भाई, हर चीज़। हाँ सच में ना यार, बड़े मतलब मेरे को बताया किसी ने कि ना हम हजार हजार गाय रखते हैं और वो बस रखते हैं और उनका दूध वूध भी निकालते हैं, और मतलब अच्छा है यार अपने इंडियन कल्चर में तो गाय। पर ऐसा नहीं लगता है बाहुबली वो शूट यहीं से गया था गायों का, बैल था ना, सीन देख रहे हो गायों का, यहाँ की स्पेशल गाय है। उन्होंने बताया था कि ये वाली जो नस्ल है ना राजस्थान में, हमारे उधर छोटी गाय रहती है, ये वाली देखिए लेकिन सीन है कितने बड़े बड़े, वही तो क्या मस्त दिख रहे हैं। आपने सुबह कुछ खाया था? मैंने भी कुछ खाया भैया जी, हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, भैया को भूख लगा है, मुझे भी भूख लगा है, अभी कुछ पेट पूजा करते हैं। वैसे गायों के साथ जा रहे हैं, सेल्फी ले रहा हूँ गायों के साथ, सेल्फी ले रहा हूँ, कैसा लग रहा है, यही थंबनेल में रखूंगा। कैसे आ जाओ गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ। यहाँ पे अंदर मार्केट में कुछ नाश्ते वगैरह के लिए मिल जाएगा क्या? अंदर है ना, जाओ उधर सामने है और वो कंपनी वाला, वहाँ क्या मिलेगा खाने को? भजिया छोटा है, छोटा मिलेगा, फाफड़ा है, पिज्जा है, सब मिलेगा। जाओ इधर, कहाँ जाओगे? इधर सामने, वो सामने दूसरी कंपनी दिखाना है, वहाँ चले जाओ। थैंक यू। प्लेट में नहीं दोगे? पानी नहीं है, ऐसे प्लेट में रख के दोगे? मुझे लगा पानी है, मैं पी लेता अभी कर दूँगा। आसमान का तारा हूँ, आपको पहले होगा ही नहीं शायद, आधी किलो दे दो, दो ही आएंगे शायद। फाइनली आके भैया के रूम में पहुंच गए। एक्चुअली क्या है ना, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और धूप में हम दौड़ रहे थे इधर उधर पागलों की तरह भटक रहे थे, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो अभी भैया के रूम में आए हैं, मस्त अभी खाना ऑर्डर कर रहे हैं, खाते हैं, रेस्ट करते हैं। अभी टाइम हो रहे हैं 11:30 हो चुके हैं, तो भैया अभी मस्त खाने का ऑर्डर करें, खाना आ चुका है, मस्त खाते हैं, आराम करते हैं और शाम को चलते हैं बाहर पेचरा जी स्ट्रीट फूड खाने। वैसे भैया बाथरूम गए हैं, चाय के तो बड़े फैन मिलेंगे तुझे भाई, जैसे सिगरेट दारू ये इन सब चीजों को मिलते हैं, वैसे चाय के मेरे जिया जी देख उनको भाई इतनी पसंद है चाय, बस दिन की 10 चाय पी के बहुत हुई। मैं अभी तो मेरे सर में दर्द होने लग गया शायद, पता नहीं सर में नहीं, आंख में दर्द हो रहा है, एक में होता है वो कभी कभी। भैया जी यहाँ पे मस्त चाय बनाया जा रहा है, सर जी हमारे चाय बना रहे हैं, आज देखते हैं सर का हाथों की चाय, स्वादिष्ट चाय। चाय नहीं वो चाय, चाय हमारे वहाँ चाय कहते हैं, चाय चाय चाय। हेलो जी भैया, ये रहा हमारा खाना, ये रहे हमारे भैया, बस खाते हैं कड़वा कड़क। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, जी गुड इवनिंग भैया। अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और मौसम काफ़ी सुनहरा हो चुका है, हम घूमने के लिए निकले हैं। और भैया ये जो भैया का रूम है काफ़ी शानदार है, मज़ा आ गया यहाँ पे। वैसे इस रूम के बारे में हम आपको अगले वीडियो में कभी आराम से फुर्सत में दिखाएंगे, बताएंगे। वैसे अभी हम चलते हैं बेचरा जी, वहाँ हमें स्ट्रीट फूड खाना है, नुक्कड़ पे बैठ कर मस्त एकदम चौराहे पे खाना है स्ट्रीट फूड, और
भैया का कुछ काम है। भैया हम सुबह से ब्लॉग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और आज का दिन काफ़ी शानदार बीत रहा है हमारा, बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं बेसरा जी स्ट्रीट फूड खाने, भैया तैयार हो रहे हैं।